अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है और अपने आधार कार्ड में आप मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाना चाहते हैं, या फिर आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर अभी रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर को आप चेंज या फिर अपडेट करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको आधार सेंटर जाना होता था, बट यहाँ पर अब आपको आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। ये सारी सर्विसेज का लाभ आप अपने घर पर बैठे बैठे ले सकते हैं। आप अपने घर पर बैठे बैठे अपने आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसको चेंज या फिर अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जोड़ना तो आप आसानी से यहाँ पर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जोड़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ किस तरह आप इन सभी सर्विसेज का लाभ अपने घर पर बैठे बैठे आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर IPPB यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा आधार कार्ड की न्यू सर्विसेज लॉन्च की गई हैं, जिसके अंतर्गत आपको आधार कार्ड की ये जो सर्विसेज हैं, जैसे कि आपको आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक या फिर चेंज या अपडेट करवाना है, या फिर आपको बच्चे का आधार कार्ड बनवाना है जिसकी आयु 5 वर्ष से कम है, ऐसे बच्चे का आपको आधार कार्ड एनरोलमेंट करवाना है, उसका आधार कार्ड बनवाना है, तो ये सभी सर्विसेज का लाभ आपको IPPB के द्वारा आपके होम एड्रेस पर दी जाएंगी, आपके घर के पते पर दी जाएंगी। आप जहां पर इसकी सर्विस का लाभ लेना चाहते हैं वहां पर आप इसकी सर्विस का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसके लिए करना इतना है कि यहां पर आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट करनी होगी। मतलब जिस तरह आप आधार सेंटर जाने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, बिल्कुल ठीक इसी तरह से आपको यहाँ पर एक सर्विस रिक्वेस्ट करना होगा। सर्विस रिक्वेस्ट से मतलब है कि यहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट जनरेट करना होगा, जिसके बाद आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो IPPB के पास पहुंचेगी, और वहां से ये इन्फॉर्मेशन पहुंचने के बाद एक एग्जीक्यूटिव जो कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का एग्जीक्यूटिव होगा, वो आपके पते पर आपको जो सर्विसेज आप लेना चाहते हैं वो सर्विसेज आपको आपके पते पर प्रोवाइड करेगा। तो किस तरह से आप इसकी सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं, किस तरह यहाँ पर आप इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये सर्विस रिक्वेस्ट जो है ये बहुत छोटा सा एक एप्लीकेशन होता है, और ये जो सर्विस रिक्वेस्ट है ये अपने आप मोबाइल से ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं आज आपको लाइव ये चीज दिखाने वाला हूँ किस तरह से यहाँ पर आप सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर मोबाइल पर लाइव इंक्वायरी करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, इस पेज पर आ जाना है। इस पेज का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए, आपको सर्विस रिक्वेस्ट में सबसे पहले यहाँ पर नेम का जो कॉलम दिख रहा है, यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का नाम या फिर अपना नाम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस का कॉलम दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको वो एड्रेस डालना है जहाँ पर आप इस सर्विस का लाभ लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर एड्रेस आप एकदम क्लियर डालें, जिसमें आपको जो एग्जीक्यूटिव आने वाला है उसको आपका एड्रेस फाइंड करने में कोई दिक्कत ना जाए और वो आसानी से आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एड्रेस डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना पिन कोड डाल देंगे, एरिया पिन कोड, और यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड कराना होगा, जिससे जो एग्जीक्यूटिव आपके पास आने वाला है वो आपसे आसानी से कॉन्टेक्ट कर सके और आप तक आसानी से पहुंच सके। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सेलेक्ट सर्विस का, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए सेकेंड लास्ट ऑप्शन दिख रहा होगा IPPB आधार सर्विसेज, इस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए सेलेक्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, पहला तो यहाँ पर चाइल्ड आधार एनरोलमेंट, यानी कि आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसकी आयु 5 वर्ष से कम है तो उसका आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं इस ऑप्शन के माध्यम से। उसके बाद सेकेंड जो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए मोबाइल ईमेल टू आधार लिंकिंग, मतलब अपने मोबाइल में आधार कार्ड में आप मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं या फिर चेंज या अपडेट करना चाहते हैं और अपने आधार कार्ड में आप ईमेल आईडी रजिस्टर करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवाना चाहता हूँ, तो मैंने सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पर दोनों में से जो भी ऑप्शन, जो भी सर्विस आप लेना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है रिक्वेस्ट OTP, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो मोबाइल नंबर आपने डाला हुआ है उस पर एक OTP रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट OTP पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपके मोबाइल पर एक OTP आपको रिसीव हो जाएगा, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है एंटर OTP रिसीव टू योर मोबाइल, यहाँ पर आपको वो OTP डाल देना है। और OTP डालने के बाद आपको जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है कन्फर्म सर्विस रिक्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो OTP हमारा है वो हमको रिसीव हो चुका है, तो यहाँ पर वो OTP हम डाल देंगे और OTP डालने के बाद कंफर्म सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर हमारी जो सर्विस रिक्वेस्ट थी वो कम्प्लीट हो चुकी है, वो रजिस्टर हो चुकी है। और यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर भी रिसीव हुआ है, तो उसको आप यहाँ से कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने जो रिक्वेस्ट जनरेट की है
उसका स्टेटस आप किस तरीके से चेक करते हैं, मतलब आपका जो अभी आपने रिक्वेस्ट किया हुआ है वो स्टेटस अभी कहाँ तक पहुँचा है, तो उसके लिए आपको देखिए सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है क्लिक टू ट्रैक योर रिक्वेस्ट, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला था वो आप डाल सकते हैं, या फिर आपको जो रेफरेंस नंबर रिसीव हुआ है वो रेफरेंस नंबर यहाँ पर आप डाल देंगे, दोनों में से कोई भी डिटेल यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको फैच की बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट का आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो स्टेटस है वो भी हमने तुरंत ही सबमिट किया है, तो वो अभी पेंडिंग दिखा रहा है, और उसकी जो आपने रिक्वेस्ट जनरेट की है उसकी डेट भी यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रिक्वेस्ट जनरेट करके और उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। अभी जैसे ही आपका अप्रूवल हो जाएगा तो यहाँ पर IPPV के द्वारा आपके पते पर एक एग्जीक्यूटिव भेजा जाएगा जो कि IPPV का एक एम्प्लॉय होगा, और वो आपको जो भी सर्विस आप यहाँ पर लेना चाहते हैं आपके घर के पते पर आकर आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने आधार कार्ड में घर पर बैठे बैठे मोबाइल नंबर अपडेट या फिर चेंज कर सकते हैं, या फिर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे का आधार कार्ड बनवा सकते हैं। दोस्तों ये जो सर्विस है अभी रिसेंटली लॉन्च की है, तो मुझे लगा कि आप लोगों तक ये जानकारी मुझे शेयर करना चाहिए। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करें, और इसके लेकर कोई भी आपके मन में सवाल है, कोई भी आपकी क्वेरी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरी है वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, इससे आने वाले सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।